सत श्री अकाल, वेलकम यू ऑल। रेस अकैडमी के ऑफिशियल चैनल दे विच तुहाडा स्वागत है। अज आपां करन जा रहे हां फ्रेजल वर्ब्स, अपनी एक सीरीज चल रही है, आप उसनों कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरा नाम है रमनदीप सेठी, मैं तुहानू पढ़ा रहा हिस्टरी ते इंग्लिश, ठीक है। अज की क्लास आपां शुरू करते हैं। हाँ जी, अपनी की स्ट्रैटेजी रहेगी, मैं तुहाडे नाल पहला भी डिस्कस कर चुके हाँ कि वी विल लर्न द चैप्टर थ्रोली विद एग्जाम्पल्स इन डिटेल। डिटेल के आप चैप्टर करांगे। इन दिस सीरीज वी विल कंप्लीट ऑल फ्रेजल वर्ब्स विद टाइम इन एन एफिशियंट मैनर। आप इस कंप्लीट करांगे हौली हौली करके, तो टाइम लैके करांगे आप, थोड़े थोड़े वर्ड डेली करांगे ताकि अपनी मैमरी के वर्ड बैठ जा। रिविजन करांगे आप 7th डे, 15th डे ते 30th डे। वीकली टेस्ट कंडक्टेड करांगे जो 13 जुलाई में रखा गया है, ठीक है। तो अपनी ग्रैमर की वीडियो भी आ रही है, ग्रैमर तुसीं अनअकैडमी से देख सकते हो। बाकी सर भी पढ़ा रहे हैं, पोलिटी भी चल रही है, तो करंट अफेयर भी अनअकैडमी से पढ़ा रहे हैं। बहुत वधिया तरीके दे नाल तुसीं देख सकते हो जाके, ठीक है। एक इन्हां दे लई टारगेट है ये PPSC, UPSC, SSC, रेलवेज, पटवारी, फूड इंस्पैक्टर, एनी अदर इंस्पैक्टर पोस्ट, एंट्रेंस एग्जाम, DU, PU, लो एंट्रेंस, हायर स्टडी, तो एनी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम। तो कोई भी स्टेट की तुसीं तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो तो पंजाबी दे विच है, लेकिन तुहानू ये वर्ड किसी भी पेपर दे विच देखने को मिल सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम दे विच, किसी भी स्टेट दे, कोई भी स्टेट एग्जाम ले रही होगी, क्योंकि फ्रेजल वर्ब बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है। ए ग्रेड, बी ग्रेड ते सी ग्रेड तिना दे लई ये इंपोर्टेंट ने, ठीक है। हुण आपां क्लास शुरू करते हाँ। अज दा पहला वर्ड है अपना अटेंड ऑन। अटेंड ऑन का की मतलब होंदा है? अटेंड ऑन का मतलब होंदा है टू सर्व, सेवा करना, टू सर्व। अंबानी हैज मैनी सर्वेंट्स टू अटेंड ऑन हिम, ठीक है। हुण अंबानी नू अटेंड करने दे वास्ते बहुत सारे सर्वेंट ने, अटेंड ऑन। तुसी हमेशा ये वर्ड याद रखना, आपां ग्रुप ऑफ वर्ड्स याद रखांगे, सर्वेंट्स टू अटेंड ऑन, सर्वेंट्स टू अटेंड ऑन, ठीक है। जो आपां ग्रुप ऑफ वर्ड्स याद रखांगे ना, पेपर दे विच आपां नू ग्रुप ऑफ वर्ड्स याद आंगे। जे आपां कुछ कल्ला ही याद कर लांगे ना अटेंड ऑन टू सर्व, आपां नू याद नहीं रहना, आपां ग्रुप ऑफ वर्ड्स याद रखांगे, ते पेपर दे विच उहदी इंपोर्टेंस तुसी देखियो। ऐसे स्लाइड दे विच मैं तुहानू दिखाई है। नैक्सट मैं तुहानू दसां आस्क फॉर, देखदे हां आपां। आस्क फॉर की हुंदा है? डिमांड करना, मंग करना। हाँ जी, राधिका वॉज आस्किंग फॉर हाइक इन सैलरी, ठीक है। आस्क फॉर, मंग करन दा टू डिमांड, मैं तुहानू प्रीवियस क्लास दे विच भी एक्सप्लेन कर चुका, किसे किसे नू याद है, किस किस नू याद है, ठीक है। वो दसन वर्ड की कमेंट के विच, क्योंकि वर्ड पहला ही आ गया, किस किस नू याद है टू डिमांड का, कल आपां एक वर्ड किया सी, ठीक है। बैकअप की गल करिए, बैकअप, बैकअप का मतलब होंदा है टू सपोर्ट, टू सपोर्ट। आपां कह दिंदे आ देसी भाषा दे विच, कहिंदे ने अपनी बड़ी बैक तकड़ी है, है ना, कि अपनी बैक तकड़ी है, सपोर्ट के बहुत ज्यादा बहुत लोग ने अपने सपोर्ट के, है ना। वो बैक नहीं होंदा, वो बैकअप होंदा है, ठीक है। फ्रेंड्स आर रियल बैकअप इन डिफिकल्टी, ठीक है। डिफिकल्टी के फ्रेंड्स की बहुत सपोर्ट होंदी है, ठीक है। तुसीं कुछ होर भी बना सकते हो बैकअप तो, ठीक है। आई नीड अनइंटरप्टेड, आई नीड अनइंटरप्टेड पावर बैकअप, पावर बैकअप, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हैं कि सानू अनइंटरप्टेड पावर बैकअप की जरूरत है, कर सकते हैं, कुछ भी बना लो। सेंटेंस तुसी एक नहीं चार चार बना के देखने ने, तुहाडे माइंड दे विच आपे गल्लां याद हो जाणगियां। अगे देखिए बैक आउट, ठीक है। पहला की सी बैकअप, सपोर्ट होना, वही बैक हुण निकल गई, ठीक है, आउट हो गया कम, ठीक है, की हो गया, सपोर्ट निकल गई, ठीक है। बस उसका ही है बैक आउट का मतलब की है, टू विदड्रॉ फ्रॉम समथिंग बिफोर कंप्लीशन, कि पूरा होने तो पहला ही मुकर जाना वादे तो, ठीक है। बैक सी जड़ी, बैकअप सी जड़ा ना, वो मुकर गया आपके वादे तो, की हो गया, बैक आउट हो गया, ठीक है। यू शुड नॉट बैक आउट फ्रॉम योर प्रोमिस, राइट, ठीक है। नैक्सट स्टैप पर मूव करते हैं। नैक्सट अपना है बैंक अपॉन। बैंक अपॉन का मतलब की होंदा है? टू रिले ऑन, ठीक है। रिले भी बोलते हैं, रिलाई भी बोलते हैं, सही प्रोनंसिएशन तो रिलाई होंदा है, ठीक है। टू रिलाई ऑन, काउंट ऑन का मतलब भी होंदा है टू रिलाई ऑन। रिलाई ऑन का मतलब की होंदा है? डिपेंड होना, निर्भर होना, ठीक है, विश्वास कर लेना, इस तरह के मीनिंग है इसका टू रिलाई ऑन। वी कैन नॉट बैंक अपॉन हिम एज ही इज फिकल माइंडेड। फिकल माइंड की है? फिकल माइंड होते हैं जो बहुत जल्दी जिन्हों का माइंड चेंज हो जाता है, चेंज
चेंज जल्दी जल्दी चेंज हो जाए जिन्हें माइंड, ठीक है। फिकल का मतलब चेंज हो जाता है, जो चेंज हो जाता है जिन्हें माइंड जल्दी जल्दी, वो फिकल माइंडेड होते हैं, ठीक है। बैंक अपॉन टू रिलाई ऑन, वी कैन नॉट बैंक अपॉन हिम, वी कैन नॉट काउंट ऑन हिम, आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। तो याद रखियो बैंक अपॉन सबनों बैंक पर भरोसा होता है, ठीक है। इस तरह आप याद कर रहे हैं जी, याद करने ने वर्ड का बैंक अपॉन या फिर काउंट ऑन, बैंक के आप गिनती करते हैं पूरी पूरी पैसे निकलते हैं, तो आप इस तरह ही याद कर लेंगे काउंट ऑन, जो बैंक के आप पैसे काउंट करते हैं लेके आने हैं तो उन्होंने भरोसा कर सकते हैं, टू रिलाई ऑन, ठीक है। बैंक अपॉन, ठीक है, वी कैन नॉट बैंक अपॉन हिम, आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज फिकल माइंडेड, बिकॉज बिकॉज नू आप एज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एज का काम बिकॉज के वगों ही होंगे, एक कंजंक्शन है दो सेंटेंस में जोड़न दे लई, ठीक है। एज कंजंक्शन मैं लिख देना, कंजंक्शन का मतलब तुहानू मैं समझाया सी ना क्लास दे विच, अकैडमी दे विच, जंक्शन का मतलब की होंगे है जोड़, कन का मतलब टुगेदर, कौन जिथे भी लिखा आ जाए कौन या फिर को, एज का मीनिंग होंगे है टुगेदर कट्ठे, ठीक है। आप कहने कोवर्ड कॉलेज है, आप कोवर्ड कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हाँ, को एजुकेशन है ना, मतलब कट्ठे टुगेदर, ठीक है, पता ही होगा तुम्हें। तो वैसे तो मैं वैसे ही एक्सप्लेन कर रहे हाँ। बैक ऑफ की हो जाता है, बैक ऑफ, बैक ऑफ आपके दावेदारी तो पिछे हट जाना, मुकर जाना, ठीक है। टू चूज नॉट टू टेक एक्शन, बैक ऑफ पिछे हट जाना दावेदारी तो। फाइनली शी बैक ऑफ फ्रॉम हर क्लेम ऑन प्रॉपर्टी, आप इन की याद रखा, बैक ऑफ फ्रॉम क्लेम, बैक ऑफ फ्रॉम क्लेम, आप इनी फ्रेज याद करा। फ्रेज की होंगी है, फ्रेज वो होंगी जिद फाइनेट वर्ब नहीं होंगी, ठीक है, पर ए वर्ब आ रही है तो आप इस फ्रेज नहीं बोलेंगे, पर आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोल लें फिर इन्हों, ठीक है। एक फ्रेज का सबजैक्ट नहीं होंगे, तो फ्रेज का आपकी कोई डेफिनेट या फाइनेट वर्ब नहीं होंगी, ता करके आप इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोलेंगे बैक ऑफ फ्रॉम हर क्लेम। बस इन्ने ग्रुप ऑफ वर्ड्स याद रखना, देखो तुम्हें किस तरह याद रहेंगे। पुट असाइड, पुट का मतलब होंगे रखना, असाइड का मतलब साइड पर, ठीक है, किसी न साइड पर रख देना, इतों ही मीनिंग निकल गया, ठीक है। टू स्टॉप यूजिंग अंटिल लेटर, ठीक है, कोई चीज़ साइड रख देनी, ठीक है, या फिर डिसरिगार्ड कर देना, ठीक है। जिमें डिसरिगार्ड का मतलब जी उन्हों की वैल्यू है उन्होंने घट दिखाना, यानी कि बेइज्जती जी कर देनी, मतलब आप मैं तुम्हें देसी भाषा भी समझा देना, पहला इनका मीनिंग देखते हैं आप। टू स्टॉप यूजिंग अंटिल लेटर, पुट असाइड सम मनी फॉर द रेनी डेज, ठीक है, रेनी मतलब मुसीबत के दिन, मुसीबत दिन वास्ते कुछ मनी साइड पर रख लो, ठीक है, पुट असाइड, ठीक है। टू डिसरीगार्ड की होंगे है थोड़ी इज्जत घटा देनी किसी की, डोंट, मैं कह डोंट आप लिखते हाँ, डोंट पुट असाइड द वैल्यू ऑफ यूअर पेरेंट्स, कि आपके पेरेंट्स की वैल्यू नू साइड पर ना रखो, उन्होंने डिसरीगार्ड ना करो, ठीक है। पुट डाउन का मतलब की होंगे है, पुट डाउन का मतलब की होंगे, जो आप किसी दबाने लग जाने हाँ, क्रिटिसाइज कर लग जाने हाँ, वो पुट डाउन हो जाता है। कई जगह तो आपने बच्चों क्रिटिसाइज करना पैंता है, आपू भी करना पैंता, पुट डाउन करना पैंता है ना, तो कई जगह पर नहीं करना पैंता, करना चाहता भी नहीं। जिमें मैं इतने लाइन लिखी है, नैवर पुट डाउन योर पार्टनर इन पब्लिक, आप देखते हाँ कि एक पार्टनर पति या पत्नी आपकी, पति मान लो आपकी वाइफ को पब्लिक के विच की कर देता है, क्रिटिसाइज कर देता है, पुट डाउन कर देता है, झाड़ देता है ना, वो झाड़ना नहीं चाहिए। पुट डाउन, नैवर पुट यूअर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स भी पुट डाउन ना करो, ठीक है। पुट डाउन, पुट डाउन आप देख लिया, पुट डाउन यूअर पार्टनर, बस दो तीन वर्ड आप देखने ने, पुट डाउन यूअर पार्टनर, ठीक है, पुट असाइड सम मनी, बैक ऑफ फ्रॉम क्लेम, ठीक है, कुछ वर्ड आप देख ले, फिर आप देखते हैं पुट ऑन, पुट ऑन, पुट ऑन का की मतलब होंगे, पुट का मतलब रखना, ऑन मतलब उपर, आपके उपर कपड़े पा लेने, टू क्लोथ वन सेल्फ की हो गया, कपड़े पाने ही की कहें, पुट ऑन, पुट ऑन यूर स्वैटर, कपड़े पा लो, कपड़े लाने की कहें, कोई दस सकता है, हाँ जी सोच लो, मैं दस देना, टेक ऑफ,
टेक ऑफ जो जो भी ऑफ आ जाता ना ओ डबल एफ इन का मतलब की है दिस इज यूज फॉर सपरेशन सपरेशन दे यूज सपरेशन दे ले यूज हो रहे हैं पुट ऑन टू क्लोथ वन सेल्फ ते टेक ऑफ का मतलब सपरेशन ऑफ द मीनिंग सपरेशन है टेक ऑफ का मतलब कपड़े उतार देना ठीक है ठीक है ए एज द क्वेश्चन ने मीनिंग ते अगे देखते हैं पुट ऑफ देखो ये दोवें वर्ड बहुत इंपोर्टेंट ने पेपर दे विच पूछे जाते हैं कितने पूछे जाते हैं ये पूछे जाएंगे तुहानू इंप्रूवमेंट दे विच ठीक है वर्ड कोई होर पूछा जाता है मीनिंग कुछ होर निकलता है दे देंगे पुट ऑफ की दिता जाऊगा पेपर दे विच आना होंदा है इस तरह लिखा होगा पुट ऑफ द फायर ये बहुत पेपर दे विच कॉमन है देखने ये वाले सेंटेंस ठीक है एरर लभना होगा दस दियो वड्डी जी लाइन बना के लिखा होगा कदे भी फायर नू बुझाने दे वास्ते अग नू बुझाने दे वास्ते पुट ऑफ नहीं होंदा पुट आउट होंदा है पुट आउट द फायर आपां बस कुछ वर्ड याद रखांगे आपां ग्रुप ऑफ वर्ड्स याद रख लिया पुट आउट द फायर पुट आउट द फायर पुट आउट द फायर इस तरह तुसीं भी बोलना है मेरे नाल नाल ठीक है राइट ओके तो आपां देख रहे हैं पुट ऑफ का की मतलब होंदा है पुट ऑफ का मतलब होंदा है टू पोस्टपोन पोस्टपोन कर देना टू रिपेल रिपेल कर देना दूर कर देना ऑफ का मतलब तुहानूं मैं दस्सिया है ऑफ का मीनिंग होंदा है सपरेशन सपरेशन मीनिंग होंदा ऑफ का उपर लिखा भी होया टेक ऑफ दे नाल पुट ऑफ का मीनिंग है सपरेशन मतलब दूर कर दिता टू पोस्टपोन टू रिपेल ठीक है कल की क्लास के जिन्होंने अनअकैडमी की क्लास अटेंड की उन्होंने मैं समझाया सी पोस्टपोन के लिए एक वर्ड होर होंदा है एडजर्नमेंट जो एक सैशन खत्म होंदा है पार्लीमेंट का उस टाइम एडजर्नमेंट मोशन लेके आते हैं ठीक है एडजर्नमेंट ठीक है पुट ऑफ पोस्टपोन एक वर्ड होर यूज होंदा है बहुत कॉमन वर्ड जिहड़ा पेपर दे विच पूछा जाता है डेफर डेफर का की मतलब है पोस्टपोन कर देना स्थगित कर देना अगले टाइम वास्ते कैंसल नहीं है कैंसल ना कर लियो कई लोगों ने साडे पेपर कैंसल हो गए कैंसल नहीं होंदे पोस्टपोन होंदे ने ठीक है पुट ऑफ टू पोस्टपोन पुट ऑफ द मीटिंग वाज पुट ऑफ बस इन्ना तुसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स याद रखो द मीटिंग वाज पुट ऑफ द मीटिंग वाज पुट ऑफ ठीक है कि पोस्टपोन हो गई तुहानू याद रहणगे वर्ड अगला वर्ड दसा मैं तुहानू पुट थ्रू हाँ जी पुट थ्रू का की मीनिंग है दस सकते हो तुसी हाँ जी पुट थ्रू का मीनिंग है टू मेक समवन एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लीजेंट ठीक है मुसीबत दे विच पा देना तुहानू देसी भाषा समझा देना पुट थ्रू ठीक है कई बार आपां आपदे फ्रेंड्स नूं मुसीबत दे विच पा देना जां अपने फ्रेंड आपां नूं मुसीबत दे विच पा देंदे ने जां सिचुएशन इस तरह दी होंदी आपां मुसीबत दे विच पै जांदे आ तां इस तरह मैं तुहानूं लिख देना एक वर्ड हाँ जी नवा नवा पेन है तां थोड़ा जिहा टाइम लगूगा हैबिचुअल होण लई हाँ जी पुट थ्रू टू मेक समवन एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लीजेंट मुसीबत दे विच पा देना मैं सिंपल जिहा वर्ड बना देना डोंट पुट यूअर फ्रेंड फ्रेंड नहीं फ्रेंड्स लिख लैंदे आपां Don't put your friends through ordeal. Ordeal का की मतलब होता है ordeal का मतलब होता है मुसीबत ठीक है मुसीबत हुण देखो don't put put इत्थे है through इत्थे है तो यह phrasal verb कठियां ही ने इना समझ लिए कुछ होर आ गया तुसीं कल्ला put देख लिया through दूर है विचाले कुछ word आ गए ठीक है इस तरह नहीं ये कंप्लीट फ्रेजल वर्ब है इस तरह भी लिखे जाते हैं याद रखो ठीक है आपके फ्रेंड नूं ऑडियल दे विच मुसीबत दे विच ना पाओ ठीक है अगला वर्ड देखते हैं पुटअप पुटअप जदों पुटअप के दो मीनिंग ने देख लो मैं दोवें वर्ड इतने लिख चुके हैं पुटअप द मीनिंग है टू प्रोवाइड लॉजिंग फॉर लॉज की होंगे ने जिसे रुकते हैं रुकन की थान ठहरन की थान ठीक है उसनों की कहते हैं तुम मोहाली के कितने रुके हो जी तुम एग्जाम देन जा रहे हो चंडीगढ़ कितने रुकोगे वेयर विल यू पुट अप इन मोहाली सर ठीक है राइट तुम समझ रहे हो मेरी गल नूं पुट अप ठीक है वेयर आर यू पुटिंग अप इन मोहाली ठीक है कर लो तुसी कर लोगे समझदार हो बहुत ही ईजी ईजी ने पुट अप का मतलब की है
पुटअप इन मोहाली याद कर लो, बस इस तरह याद करो दो तीन वर्ड, पुटअप इन मोहाली, पुटअप इन मोहाली। ठीक है, पुटअप का मतलब एक होर होंगे है टू इरेक्ट और बिल्ड, बिल्डिंग खड़ी कर देना या कुछ होर टेंट वगैरह खड़े कर देना। ठीक है, खड़ा कर देना होंगे है इसका मतलब टू बिल्ड, कोई भी बिल्डिंग या कोई स्ट्रक्चर खड़ा करना होंगे ना, फ्रेम्स वगैरह खड़े कर देने। वी विल पुट अप ए टेंट एट हिल्स, कि हिल्स से की करांगे, पुट अप करांगे। पुट अप दे दो मीनिंग निकल गए, तो मैं इजी लैंग्वेज में समझाता। एक दा मीनिंग होंगे है ठहरना, ठीक है, लॉज, ठीक है, दूसरे दा मीनिंग होंगे है इरेक्ट करना। ये सारे वर्ड तो मैं पूछूंगा नेक्स्ट क्लास दे विच, याद करके आना। फिर अगला देखिए अपना, सॉरी, पुट टुगेदर। ठीक है, पुट टुगेदर का की मतलब होंगे है टू कंस्ट्रक्ट करना, टू क्रिएट करना। ठीक है, बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग पुट टुगेदर ऑल सीरीज, ठीक है, शुरू करने तो पहला की करो, तुसी सारिया सीरीज नू पुट टुगेदर कर लो, कट्ठिया कर लो, मतलब की है कंस्ट्रक्ट कर लो, बना लो। ठीक है, पुट टुगेदर का मतलब की है बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, क्रिएट करना। ठीक है, पुट टुगेदर योर बेस, मैं कहवा पुट टुगेदर, सॉरी, मैं कहवा पुट टुगेदर योर बेस, कि आपका बेस बना लो। ठीक है, बिफोर मूविंग, ठीक है, बिफोर मूविंग एडवांस मैथ्स, मैथमेटिक्स। ठीक है, एडवांस मैथमेटिक्स करने तो पहला की करो, पुट टुगेदर योर बेस, क्रिएट कर लो, कंस्ट्रक्ट कर लो, बेस बना लो, बिफोर मूविंग टू द, मूविंग टू लिख लो ना, मूविंग टू एडवांस मैथमेटिक्स। ठीक है, इस तरह आप याद कर लेंगे पुट टूगेदर की होंगे कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, अज के वर्ड कंप्लीट हो चुके हैं, हम अपना टेस्ट शुरू हो रहे हैं अज का। ठीक है, दसो अटेंड ऑन की है, मैं तुम्हें 2 सैकंड के लिए रोकूंगा हर एक ते, हर एक स्लाइड से, तुम मैं दसना कमेंट के अटेंड ऑन। नेक्स्ट वर्ड बैकआउट, नेक्स्ट वर्ड बैकअप जी सर, नेक्स्ट वर्ड है पुट टुगेदर, पुट टुगेदर। ठीक है, जे कोई वर्ड ना दिता होवे तुसी साइड पे, मैं तुहानू ई ऑप्शन लिख के दे देना। ठीक है, रह गया सी ऑप्शन, पुट अप। हाँ जी, पुट अप का की मतलब है, पुट ऑफ की होंगे है, पुट अप की होंगे है, पास याद रखना, दो तीन वर्ड दोबारा देख लेने तुसी। ठीक है, पुट ऑफ द मीनिंग की है। नेक्स्ट वर्ड पुट डाउन, पुट डाउन की होंगे है, पब्लिक दे विच आप पुट डाउन कर देने आपके पार्टनर नो, है ना, दसो की होंगे है। हाँ जी, जे किसी ऑप्शन दे विच एक तो बाद ऑप्शन भी सही होने तो तुम दस सकते हो। ठीक है, आस्क फॉर, बैंक अपॉन, इन ऑप्शन नहीं मैं देते, मैं दस दियो कमेंट दे विच। नेक्स्ट वर्ड आप कर रहे हैं, हाँ जी मैं दस दवा, ये साड़ी टीम है, ये ने अजय सिडाना सर, ये ने फनकार सर, तुम जानते होंगे, ये मेरी फोटो है पहला दी, मैं ही हाँ, थोड़ी जी लुक्स चेंज हो गए ने। हाँ जी, अजय सिडाना करंट अफेयर करा रहे हैं अकेडमी से बहुत ही वधिया तरीके दे नाल। फनकार सर कोल वेरियस सब्जेक्ट ने, जिन्हों विचों पोलिटी करवा रहे हैं एक सब्जेक्ट है, तो होर भी बहुत कुछ करवा रहे हैं, तुम इन्हों की वीडियोज देखो, मैं तुहानू करवा रहा हिस्टरी ते इंग्लिश, बहुत ही बेहतरीन तरीके दे नाल, बहुत ही बेसिक चक के करवा रहा मैं तुहानू, तुसीं देख सकते हो फनकार सर की भी पोलिटी बहुत वधिया है, बहुत बेसिक दे विच करवाउंदे ने, डिटेल दे विच डिफरेंस तुहानू दसदे ने, तुसीं देख सकते हो वीडियोज कदे भी जाके। मैं तुहानू जिस तरह की हिस्टरी करवाई है, जिस तरह की इंग्लिश करवाई है, मैं तुहानू चैलेंज कर सकता कि इस तरह कोई नहीं करवा सकता, चैलेंज है, तुसीं मैनू दिखा सकते हो कि सर तुसीं वधिया नहीं कराई, ये बंदा सही करा रहा है, ये टीचर सही करवा रहा है। ठीक है, तुसी देखो साड़ी वीडियोज़ नूं ते साड़े चैनल नूं सब्सक्राइब करो, अनअकैडमी ते जाके साड़ी वीडियोज़ देखो, लिंक तुहानू डिस्क्रिप्शन दे विच मिल जाणगे, ते करो तुसी, वट्सएप दे ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, ते मैं थल्ले लिखिया है, तुसी साडा टैलीग्राम दा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, रेस अकैडमी ऑफिशियल दे नाम तो चैनल है, ये हर स्लाइड दे थल्ले तुहानू दे रखे हैं। ठीक है, ते वट्सएप ग्रुप भी तुसी ज्वाइन कर सकते हो, उहदे लई तुहानू पहलां टैलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पऊगा, असी सारे नोट्स आपदे प्रोवाइड कर रहे हाँ।
टेलीग्राम पे, ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करो, बहुत बेनिफिशियल ग्रुप है। ठीक है, थैंक यू, हुण मिलते हैं अगली क्लास दे विच। ठीक है, ओके बाय, सी यू।